नास्ता धर्मे न वसुनिचये नैव कामोपभोगे। यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम्। एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि। त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दार्ढ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि। हम नारद भक्ति सूत्र के पहले ही सूत्र का विवेचन कर रहे हैं। अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः, अथ अतः भक्ति की मैं व्याख्या करूंगा। हमने देखा था कि अथ शब्द का क्या अर्थ होता है। प्रारंभ का सूचक है, मंगलाचरण है, मंगलवाचक है, और यह भी सूचित करता है कि अनंतर यह अब इसके यानि पहले कुछ किया है, इसके बाद यानि अधिकार को सूचित करता है। कौन से व्यक्ति इसको पढ़ सकते हैं भक्ति ग्रंथ को, तो नारद जी का कहना है कि सभी इसके अधिकारी हैं, कोई अनधिकारी नहीं है। जाति कुल से, उम्र से, इत्यादि से, कल्चर से कोई भी इसका अनधिकारी नहीं है। जो भी भगवान को जिस भाव से भजे भगवान का भजन कर सकता है, इत्यादि हमने पिछली बार देखने का प्रयत्न किया था। उसके बाद में अतः शब्द पर भी विचार किया था। अतः यानी देयरफोर यानी इसके लिए भी हमने कई प्रकार से उसमें समझने का प्रयत्न किया था, क्योंकि भक्ति सबसे सरल मार्ग है। देयरफोर अतः उसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। इसमें भक्ति को गलत समझने की संभावना है, देयरफोर अतः इसकी व्याख्या हम कर रहे हैं, जिससे लोग आसानी से समझ जाएं। इस प्रकार से हमने इन दोनों शब्दों को देखने का प्रयत्न किया। व्याख्या श्यामः विशेष रूप से आख्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। पहले जो कही थी भक्ति सब जानते हैं, उसी की हम व्याख्या कर रहे हैं, यह हमने देखने का प्रयत्न किया। अब भक्ति शब्द की परिभाषा, मैंने पिछली बार दो तीन भक्ति शब्द की परिभाषाएं बताई थी। स्वामी विवेकानंद भक्ति की परिभाषा करते हैं, या प्रीति, और वह भक्ति की परिभाषा प्रह्लाद की जो स्तुति है उसको यहाँ पर कहते हैं। या प्रीति रविवेकानाम विषयेषु अनपायिनी त्वाम अनुस्मरतः सा मे हृदयात्मा अपसर्पतु। जो प्रीति, जो प्रेम, प्रीति शब्द का उपयोग किया, हम देखने का प्रयत्न करेंगे प्रेम का क्या अर्थ है जब हम दूसरे सूत्र पर आएंगे, जहाँ पर भक्ति की परिभाषा दी जाएगी नारद ने, वहां हम देखेंगे प्रीति शब्द का अर्थ या प्रेम शब्द का अर्थ क्या है। तो यहां पर प्रह्लाद कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जो प्रीति अविवेकी लोगों की विषयों के प्रति होती है, ऐसी प्रीति तो छोड़ते नहीं, अनपायिनी, कभी कम नहीं होती। विषयों को पकड़े रहते हैं, बड़ी तीव्रता से पकड़े रहते हैं, किसी प्रकार त्यागते नहीं। ऐसी प्रीति त्वाम अनुसरतः तुम्हारा स्मरण करते हुए मेरे हृदय से किसी प्रकार से न जावे, यानी तुम्हारे प्रति उस प्रकार की प्रीति होवे, अनपायिनी, किसी भी प्रकार से विचलित न होने वाली प्रीति। यह स्वामी विवेकानंद के अनुसार
भक्ति की परिभाषा है। शंकराचार्य अद्वैत परक परिभाषा करते हैं, ज्ञान परक परिभाषा के अनुसार आत्मानुसंधानम या स्वस्वरूप अनुसंधान यह भक्ति है। यमुनाचार्य मैंने कहा था कि भक्ति के बहुत बड़े आचार्य हो गए हैं, बहुत ही महान, बहुत अद्भुत उनका जीवन है। अगर आप लोगों ने उनकी जीवनी न पढ़ी हो तो मैं उसको सुनाऊं, बहुत ही अच्छी जीवनी, बहुत ही अच्छी जीवनी। ये यमुनाचार्य एक ब्राह्मण थे और एक आचार्य के यहाँ पर पढ़ा करते थे, शास्त्र पढ़ते थे। दक्षिण भारत की कथा है ये, संभवतः तमिलनाडु में किसी नगर में थे। 12 वर्ष के बालक थे और उस समय वहां पर एक राज पंडित थे जो अत्यंत घमंडी थे। राज पंडित वो अत्यंत प्रखर विद्वान भी थे और उन्होंने सब विद्वानों को परास्त कर दिया था, और जिन जिन विद्वानों को परास्त किया था उनसे वे टैक्स लेते थे, उनसे वो टैक्स लेते थे। तो यमुनाचार्य ये जो बालक थे, इनके गुरु भी एक ऐसे ही परास्त आचार्य पंडित थे। तो एक दिन जो राज पंडित के जो लोग थे उनसे टैक्स लेने के लिए आए उनके पिता उनके गुरु के पास, और यमुनाचार्य वहां पर थे, गुरुजी नहीं थे। तो जो पंडित को टैक्स लेने के लिए आए तो यमुनाचार्य ने उनको एक बड़ा तीक्ष्ण उत्तर दिया कि अरे ऐसे घमंडी पंडित, वो कोई पंडित होता है क्या? मैं तो उसको पंडित ही नहीं मानता। तो उसने जाकर वहां पर बात कही, इन लोगों ने कहा कि वो तो राज पंडित तो नहीं है लेकिन अरे लड़का है, उनका शिष्य है, उसने तो ऐसी बात कही है, वो कहता है कि मैं ही परास्त कर दूंगा तुम्हारे राजा को, पंडित को। तो राजा ने कहा अगर ऐसा है तो उसको बुला लाओ, अगर लड़का ऐसी घमंड करता है तो बुला लाओ, पंडित को से हो जाए उनका वाद विवाद। तो ये लोग सब गए, इतने में वो गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा कि आप अरे क्या कर दिया तेने, ये तो बड़ा नाग सर्प जैसा है, तुझे डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा। तो ये यमुनाचार्य ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, जब बुलाने के लिए राजा के यहां से आए कि चलो तुमने अगर चैलेंज दिया है तो जाओ अब राज पंडित से वार्तालाप करो, तो यमुनाचार्य ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर राजा बुलाता है और मुझे वो समझता है कि मैं एक प्रतिद्वंदी हूं तो उस वो मुझे सम्मान देना चाहिए, यानी राजसी सम्मान के साथ मुझे ले जावे तब मैं जाऊं। राजा ने माना कि बात तो ठीक है, हाथी घोड़े पालकी इत्यादि भेजिए, राजी सम्मान से गए। और इधर रानी में और राजा में विवाद हो गया, और रानी ने कहा कि ये जो बालक है तुम्हारे इस पंडित को हरा देगा, ये तुम्हारा पंडित बहुत घमंडी है, वो रानी पसंद नहीं करती थी, राजा उसका बहुत दीवाना था, बहुत उसको मानता था, सम्मान करता था, लेकिन रानी ने कहा कि यह जो बच्चा है तुम्हारे इसका घमंड दूर कर देगा। आए, जब आए सभा में तो राजा समझ गए, उन्होंने उसको इक्वल स्टेज के ऊपर बिठाया, दोनों को सामने बराबर स्टेज पे बिठा दिया, इक्वल, जो जब तक डिफीट नहीं होता तब तक, जब हरा हारते नहीं तब तक नीचे नहीं। अब ये वाद विवाद शुरू हुआ, तो वाद विवाद का यह है कि कैसे शुरू करना। तो उन्होंने कहा कि प्रश्न पूछो, आप प्रश्न पूछो उसका उत्तर दें। तो यमुनाचार्य ने कहा कि आप पहले प्रश्न पूछो। तो जो पंडित जी हैं उन्होंने देखा कि बच्चा कितना है, कितना जानता है, कुछ व्याकरण के प्रश्न पूछे, तो फटाफट फटाफट को जवाब देते गए, कुछ कठिन व्याकरण के पूछे प्रश्न पूछे उसको भी जवाब देते, जितने प्रश्न पूछे वो सब व्याकरण के सिंपल वो जवाब देते। फिर इन्होंने कहा यमुनाचार्य ने हंसते हुए कि तुम तो समझते हो, तुम मुझे सीधे सीधे छोटे छोटे प्रश्न पूछ रहे हो, ये समझते हो कि आदमी छोटा दिखता है तो छोटा आदमी होगा, वो बड़ा होगा तो बड़ा होगा, इसका मतलब ये है कि भैंस में ज्यादा अकल होगी,
क्योंकि भैंस बड़ी दिखती है। तो लोग सब हंस दिए सब, तो ये जरा दिल मिला गया, चुप हो गया, अच्छा तुम प्रश्न पूछो। तो यमुनाचार्य, अब अलग अलग यू नो वाद विवाद की परंपराएं होती हैं, टेक्निक होती है। यमुनाचार्य ने एक प्रश्न किया, अच्छा कि मैं तीन प्रश्न करता हूं, तीन प्रोपोजिशंस रखता हूं, उनको आप असिद्ध कर दो। जैसे कोई सह कहे कि सूर्य पूर्व में उगता है, अब इसको सिद्ध असिद्ध करो, पूर्व पूर्व में सूर्य नहीं उगता है, इसको असिद्ध करो, तो ये तो असंभव। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे, उनको आप असिद्ध कर दो। अगर आप असिद्ध नहीं करोगे तो मैं असिद्ध कर दूंगा। अगर कोई पूछे कि सूर्य पूर्व में उगता है, इसको असिद्ध करो, अगर आप नहीं सिद्ध कर सको तो क्या करेंगे? हम कहेंगे कि देखिए ये पूर्व दिशा जो है वो तो हमने बनाई है, वो तो पृथ्वी घूम रही है, सूर्य न उगता है न अस्त होता है, इसे सिद्ध हो गया कि सूर्य पूर्व दिशा में नहीं उगता। ये इस प्रकार के वाद विवाद होते हैं, यानी वेदांत को ले गए, फिलोसॉफी को, अपने एस्ट्रोलॉजी इत्यादि को लेके उसको सिद्ध असिद्ध कर सकते हैं। तो उन्होंने पहला प्रश्न किया कि यह सिद्ध कीजिए कि आपकी माता संतान रहित है। आपकी माता संतान रही है, सिद्ध कीजिए। चुप, सब चुप हो गए, लोग हंसने लग गए। देखिए ये कैसे सिद्ध करेंगे, मैं बैठा हुआ हूं, मेरे पास संतान रहित कैसे हो सकती है? अच्छा ठीक है, ये नहीं बता सकते। दूसरा उन्होंने कहा कि यह सिद्ध कर दीजिए कि जो राजा है वह धर्मात्मा नहीं है। नहीं, ये राजा जो है वह धर्मात्मा है, इसको आप असिद्ध कर दीजिए। यह सिद्ध कीजिए कि राजा जो है वह धर्मात्मा नहीं है। अब राजा के सामने वो कैसे सिद्ध करेगी कि राजा धर्मात्मा नहीं है? और तीसरी कहते हैं, तीसरी बात कही, रानी भी बैठी हुई है, ये रानी पतिव्रता नहीं है, इस बात को आप सिद्ध कीजिए। ये चीज हो गई, वो नहीं कर सका, तो क्या तुम सिद्ध करो? क्या मैं सिद्ध करता हूं? पहला उन्होंने कहा कि आपका माता पुत्र रहित है, तो उन्होंने एक शास्त्र का कोटेशन है, एक कोटेशन लिया, संस्कृत था, वो जो किताब में दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी इस मां के केवल एक पुत्र होवे तो वो संतान रहित मानना चाहिए। एक पुत्र माता संतान रहिता, ऐसा कुछ एक श्लोक है, वो बता दिया। अच्छा, राजा, अब राजा धर्मात्मा नहीं है, उन्होंने वो शास्त्र को कोट कर दिया कि कलयुग में राजा जो है, राजा को जितने समाज है, जितना जिस जो प्रजा है उसकी, उसका पाप राजा को लगता है। और ये बात ठीक भी है, जो व्यक्ति इंचार्ज होता है तो जो सोसाइटी में, यदि किसी आश्रम में है तो आश्रम में अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हूं, मेरे ऊपर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, पाप लगता है। तो कहा कि जो राजा है उसका, उसको प्रजा का पाप लगता है, और अधिकांश प्रजा पापी हो गई है, इसलिए राजा पापात्मा है, पापी है। अब ये सिद्ध करना है कि जो रानी है वो एक पतिव्रता नहीं है। उन्होंने कहा देखो शास्त्र में तो लिखा है कि राजा के शरीर में कितने 10-15 देवताओं का वास है। तो अब रानी एक पतिव्रता कैसे हो सकती है? सिद्ध कर दिया। अच्छा, उसके पहले जैसा मैंने कहा, देखिए ये तो खैर इनिशियल पोर्शन है, उसके बाद की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी भक्तिपूर्ण। एक कहानी है, उसने रानी ने कहा था कि अगर अगर ये बच्चा जीत जाएगा, बच्चा यदि हार गया तो मैं तुम्हारी दासी की दासी बन जाऊंगी, राजा को कहा। और राजा ने कहा कि अगर बच्चा जीत जाएगा तो मैं आधा राज्य उसके दे दूंगी।
प्रॉमिस के अनुसार ये जीत गए, इनको राजा, इनको अलवंदर कहते हैं, अलवंदर यानी विक्टोरियस, ऐसा कुछ है। वो रानी ने बोला था उसको अलवंदर, अलवंदर नाम से प्रसिद्ध है ये अन्नाचार। ये विक्टोरियस हो गए, इनको राजा राजा आधा राज्य मिल गया और ये 12 वर्ष के युवक राज्य चलाने लगे। बड़े हुए थोड़े, जब बड़े हुए थोड़े दिन तो उसके बाद में उनके गुरु के गुरु, यमुनाचार्य के गुरु के गुरु, वो जब उनका जन्म हुआ था तब पहचान गए थे कि बहुत बड़े संत होंगे। वो गुरु के गुरु थे, उनके ग्रैंडफादर, एक्चुअली ग्रैंडफादर थे। उन्होंने अपने शिष्य को भेजा, उनके शिष्य का नाम था नाथ मुनि, कि तुम जाओ और ये राज्य में फंस गया है उसको निकाल के ले आओ, ही इज नॉट फॉर राज्य, वो तो एक संत बनने वाला। ठीक है, अब नाथ मुनि जब पहुंचे तो राजा से मिलना मुश्किल है, वो तो बहुत बिजी हमेशा राज दरबार में, वो दरवाजे अंदर से आ ही नहीं सके, कैसे गुरु का अपना संदेश पहुंचावे। तो उन्होंने एक तरकीब की, उन्होंने ये तरकीब की कि वो पीछे से जाते और एक विशेष प्रकार की वेजिटेबल, कुछ हर्ब होती है, सब्जी भाजी, वो रोज ले जाके और जो कुक था उसको देते, कि इसको ही खिला रहा, इसको देकर राजा को खिलाना, इससे चित्त शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है, मन सात्विक होता है। जैसे ब्राह्मी, ब्राह्मी कहते हैं ना, ब्राह्मी खाने से मन पवित्र सात्विक होता है, इस प्रकार से प्रतिदिन प्रतिदिन देवे। और राजा को बड़ा अच्छा लगे उससे, अब वो धीरे धीरे उसका अभ्यास हो गया, रोज वो सब्जी मिले। एक दिन ये नाथ मुनि नहीं आए, उस दिन खाना नहीं बना, वो सब्जी नहीं बनी। तो राजा ने कुक से पूछा कि क्या बात है, तुमने आज वो सब्जी नहीं बनाई? देखिए क्या करूं, वो एक मुनि जी आते हैं, वो कुछ देते आते हैं, वो आज नहीं आए, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके कल्याण के लिए हमेशा ये देते हैं कि जिससे आपका चित्त शुद्ध हो। तो उन्होंने कहा कि अगली बार जब आएंगे तो मुझसे मिलाना। इस तरह से वो मिल लिए, कहा कि मिल लिए, और अंदर एकांत में कह गया क्या आप मेरे से, क्या बात है आप नहीं मिल पाए, कि मैं कोशिश कर रहा था तुमसे मिलने की, नहीं मिल पाया, बहुत जरूरी काम है। देखो तुम्हारे ग्रैंडफादर, उन्होंने एक खजाना रखा है तुम्हारे लिए, और वो खजाना एकांत में ले जाके बातचीत की कि ये खजाना है, वो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम जब बड़े हो जाओगे तब तुमको सौंपना, ये खजाना है, मैं तुमको सौंपना चाहता। तो कह ले चले अपन, क्योंकि कैसा है कि बड़ा कठिन है जाना। क्यों? उस खजाने के ऊपर एक सर्प हमेशा पहरा देता है, उसके ऊपर एक 7 दीवारें बनी हुई है, 7 दीवारों का किला है, उसको लांघ के जाना पड़ता है, और एक राक्षस उसकी रक्षा करता है, एक राक्षस की देखभाल में है वो खजाना। तो कहा कि हम सेना लेकर चलते हैं? कि नहीं, सेना वेना नहीं, वो एक मंत्र के द्वारा, और एक मंत्र और एक पत्ते के द्वारा सिद्ध होता है, यानी वो मंत्र के द्वारा तुम उसको जीत सकते हो, सबको जीत जाओगे, तुम अकेले चलो मेरे साथ। ठीक है, और उस समय कुछ उनको काफी पैसे की जरूरत थी, कुछ युद्ध की समस्या हो रही थी, ऐसा था। तो उसने कहा ठीक है, वो चल दिए, एक अकेले चलो। उनका ठीक है, राज्यपाठ उनको किसी को मंत्रियों को कह दिया कि मैं 15 दिन महीने भर में आने वाला हूं, अपना वेश बदल लिया और इनके मुनि जी के साथ में चले। धीरे धीरे जा रहे हैं पैदल, ये गीता पाठ करें तो मुनि जी हैं तो गीता पाठ करते हैं, गीता पाठ करके उनको बड़ा अच्छा लगता है, वो तो सात्विक भाव उनके बीच जो संस्कार था वो बार बार निकल रहा है। शाम को बैठे तो वे संध्या करें, गीता पाठ करें, ये सुन के यमुनाचार्य को बड़ा आनंद हो, बहुत आनंद है, कितनी अच्छी बात। ऐसा करते करते 2-3 दिन हुए, फिर उन्होंने कहा छोड़िए महाराज, ये सब अब मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को ये जो खजाना है वो सब नहीं चाहिए, ये खजाना वजाना कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं आपके साथ चलता हूं। कि नहीं, मेरे तुम्हारे दादाजी ने जो खजाना सौंपा था मैं पहले तुम उसको सौंप दूं, उसके बाद तुम जो साफ सको। करते करते कहां पहुंचे? श्रीरंगम, आपने नाम सुना है श्रीरंगम का? श्रीरंगम है अपने तमिलनाडु में, तंजौर के आसपास, मैं गया हूं वहां पे, श्रीरंगम में पहुंचे। श्रीरंगम में क्या है? विष्णु मंदिर, विष्णु शेष शय्याशाही श्रीरंग जो है वो शेष शय्याशाही विष्णु है, वो 8 परकोटों वाला, 7 दीवारें हैं, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बहुत बड़ा कैंपस यानी वो है, उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है। उनको ले गए,
क्रॉस करके ले गए। अच्छा, और वो एक टापू पे बना हुआ है, तो कावेरी नदी पर टापू पे बना, ये भी बताया उसने कि टापू पर बना हुआ है, 8 परकोटे वाला है, 7 परकोटे वाला है, और एक सर्पुट की रक्षा करता है, तो वो कौन सा खजाना क्या है? भगवान विष्णु स्वयं। और शेषनाग शेष छैया पर सोए हुए हैं और शेषनाग उसकी रक्षा कर रहे हैं। और राक्षस कौन? विभीषण। देखिए विभीषण अमर है, याद रखिए, जो कुछ अमर लोग हैं उनमें विभीषण का नाम है, विभीषण कभी मरते नहीं। विभीषण, हनुमान, व्यास, नारद, मार्कंडेय, अश्वत्थामा, शुक्राचार्य, ना शुक्राचार्य नहीं, कृपाचार्य, 6 हुए और 2 के नाम है, ऐसे 8 चिरंजीवी हैं। तो विभीषण प्रत्येक वर्ष आकर उनको भगवान ने भगवान कथा इस प्रकार की है कि विभीषण चाहते थे कि श्रीरंग को ले जाकर वहां पर रखना, फिर वो हो नहीं पाया, तो श्रीरंग इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ विभीषण। तो विभीषण प्रतिवर्ष जाकर उनको दर्शन करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कि सब चीज ठीक ठाक है कि नहीं। तो ये कथा है, ये विभीषण और शेषनाग उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से ले जाए, अंदर ले जाके कहा देखो तुम्हारा खजाना। अब आप सोच देखते हैं उनका क्या भाव हुआ होगा, वो देखकर करकत हो गए, उसके बाद वापस लौटे नहीं। ये थे यमुनाचार्य। तो इन यमुनाचार्य ने एक बहुत अच्छी स्तुति लिखी है भगवान की, उसका नाम मैं नहीं जानता, शायद यहाँ पर मिलती भी होगी, कोई 50-60 श्लोकों का एक बहुत अच्छी भगवान की बहुत प्रसिद्ध स्तुति है, वो उन्होंने लिखी है। तो यमुनाचार्य कहते हैं, उसी में संबंध यह है, दर्शनम पर भक्ति स्यात् पर ज्ञानम तो संगम पुनर्विश्लेषण भीरुत्व परमा भक्ति रुच्यते। क्या है परभक्ति? दर्शन, भगवान का दर्शन, यह परभक्ति है। पर ज्ञानम, पर ज्ञान क्या? उनके साथ मिलन हुआ, यह परम ज्ञान। और उससे मिलन से अब विरह न होवे, पुनः भगवान से हम विरह न प्राप्त करें, इसको परमा भक्ति, यह भावना उसको परमा भक्ति है। इसके अतिरिक्त कई दूसरे महापुरुषों ने, संतों ने भक्ति की बड़ी अच्छी व्याख्या वगैरह की है। व्याकरण की दृष्टि से भक्ति शब्द का की उत्पत्ति कैसे होती है, भजनम भक्ति, भजनम भक्ति, और भजनम यानी क्या? भजनम नाम रसनम, रसम, रस, भजन यानी रस, जैसे रसास्वादन हो गए जिसमें, भजन से रसा, भजन गाते हैं रसास्वाद होता है, जहां पर रसास्वादन हो गए, भजन है रस लेने को भजन कहते हैं। तो जहां पर भक्ति में भजन ने भक्ति में रस नहीं हो, वहां भजन भक्ति नहीं। दूसरा वे है, मैंने कहा ये संस्कृत के जो शब्द हैं उनकी कई व्युत्पत्तियां होती हैं, कई उनके इटिमोलॉजिकल शब्द मीनिंग होते हैं। दूसरा है भागो भक्ति ही, विभाग करना, किसी वस्तु को विभक्त करना, उसको भाग कहते हैं, बंटवारा करना, यानी क्या? आप बंटवारा कीजिए, अपने आप को भगवान में डाल दीजिए, भगवान के पार्ट में, भगवान के कमरे में, भगवान के मकान में, भगवान के उसमें आप भगवान को डाल दीजिए। तीसरा है भंजनम भक्ति, नाश करना, नष्ट करना, रौन देना, संसार के राग द्वेष माया मोह जिससे रुंध जाए, अविद्या जो नाश हो जाए, वह भक्ति। ये एक प्रकार की परिभाषा हो। अब श्रीमद् भागवत में भक्ति की परिभाषा देती है, सत्व एवैक मनसो वृत्ति सात्विकी तुया अनिमित्ता भग भागवती भक्ति सिद्धे है गरीयसी। यानी क्या? मन की एकाग्र सात्विक वृत्ति, मन की एकाग्रता सात्विक वृत्ति, बिना कारण स्वाभाविक रूप से जब मन भगवान में लगे, हमको प्रयत्न करना पड़ता है। अभी संसार में स्वाभाविक रूप से मन हमारा संसार में लगा हुआ है, नेचुरली लग जाता है, धन में, परिवार में, सब कुछ में लगता है, भगवान में स्वाभाविक रूप से नहीं लगता, परिश्रम करके लगाना पड़ता है। जब भगवान में स्वाभाविक रूप से मन लगने लगेगा, वही भक्ति कहलाती है।
और वो क्या कहती हैं, अनिमित्ता भगवती, अनिमित्ता भगवती भक्ति, बिना किसी कारण के, निमित्त नहीं होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक कारण के, इसके लिए धन के लिए या भगवान से हमें शांति मिलेगी, भगवान से हमें कुछ मिल जाएगा इसलिए भगवान में मन नहीं, स्वाभाविक और बिना किसी कारण के मन की जो सात्विक वृत्ति जब भगवान में लगती है उसको भक्ति कहते हैं। फिर क्या है, मत गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगा गंगाम्भसो अम्बुधौ लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदारितम अहेतुक्य अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। यानी क्या, मेरे गुण श्रवण मात्र से, भगवान के गुण श्रवण किए, और जो कौन है भगवान, सर्व गुहाशय, जो संसार के समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है, ऐसे भगवान के गुण श्रवण मानस मन से मनोगति अविच्छिन्ना, भगवान की प्रत्येक मन की बिना रुकी हुई गति हो जावे, जैसी गंगा के जल की बराबर समुद्र के ओर गति बनी हुई रहती है, यह भक्ति योग का लक्षण है, इसे कहते हैं भक्ति योग का लक्षण। भगवान के नाम व गुणगान सुने, बड़ा अच्छा लगा, स्वाभाविक रूप से निरंतर भगवान की तरफ मन जाने लगा, जिस प्रकार गंगा का पानी निरंतर समुद्र की ओर जाता है, यह है भक्ति। फिर दूसरी परिभाषा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा। यहाँ पे तीन लक्षण बताए, क्या है, अन्य कामना रहित, अन्य अभिलाषा शून्य, और कोई अभिलाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं, अन्य कामना नहीं। अच्छा, ज्ञान अथवा कर्म, यानी अमुक कर्म के बाद भक्ति करेंगे, ज्ञान के बाद भक्ति करेंगे, यह नहीं, वह भी नहीं। और ऋषि के न, ऋषि के न यानी इंद्रियों के द्वारा, ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों के द्वारा केवल भगवान का ही सेवन करना, यह हुआ भक्ति की परिभाषा। देखिए कैसी मनस्थिति होनी चाहिए तब भक्ति होती है, सारा मन भगवान में लगा रहे, स्वाभाविक रूप से लगा रहे। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्ति रित्युच्यते भीष्म द्रोण उद्धव आदि ही, भीष्म प्रहलाद और उद्धव आदि, उद्धव और नारद आदि ने क्या कहा है, भक्ति की परिभाषा क्या कही है, भगवान में ममता, अनन्य ममता विष्णु, विष्णु में ममता, मेरे हैं विष्णु, मेरे हैं विष्णु, मेरे हैं, और क्या, प्रेम के साथ, प्रेम के साथ मन विष्णु में जुड़ा हुआ है, इसको भक्ति कहते हैं। ममता और प्रेम के साथ भगवान से जुड़ा रहना, इसको भक्ति कहते हैं। अच्छा, अब एक परिभाषा मधुसूदन सरस्वती ने दी है। मधुसूदन सरस्वती वेदांत के प्रकांड विद्वान थे, अद्वैत के महान आचार्य। तो हम लोग जब अद्वैत वेदांत के शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो शंकराचार्य के भाष्य पढ़ते हैं, शंकराचार्य पढ़ते हैं, फिर कौन से हम लोग ये विद्यारण्य के पढ़ते हैं, उसके साथ साथ मधुसूदन सरस्वती, सुरेश्वराचार्य, शंकराचार्य के जो शिष्य थे, सुरेश्वराचार्य वो तो रामकृष्ण मिशन, ये हम लोग जो पूरी संप्रदाय है उनके आचार्य हैं सुरेश्वराचार्य, तो उनकी टीकाएं, उनके ग्रंथ, उनके भाष्य आदि पढ़ते हैं। और मधुसूदन सरस्वती भी अद्वैत वेदांत के प्रकांड आचार्य, उनके ग्रंथों का पाठ होता है। अब मधुसूदन सरस्वती के जीवन की कुछ बड़ी सुंदर घटनाएं हैं। वे लोग अद्वैत सिद्धि नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ उन्होंने लिखा है, अद्वैत वेदांत को सिद्ध करने का बहुत प्रसिद्ध और बड़ा फिलोसॉफिकल ग्रंथ लिखा। याद रखिए, ये जो हमारे दसनामी संप्रदाय है ना, दसनामी संप्रदाय तो शंकराचार्य ने प्रतिष्ठित किए, लेकिन जो ये नागा संप्रदाय है ना, ये जो नागा मठ इत्यादि है अखाड़े, ये मधुसूदन सरस्वती की देन, और ये अकबर के समय थे, और उन्होंने देखा था कि मुसलमान लोग साधुओं को मार डालते हैं, मुसलमान लोगों के अत्याचार होते हैं। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंसल्ट किया, तो कहा कि देखिए इनको अगर जो आपको प्रोटेक्ट करना है, हिंदुओं को प्रोटेक्ट करना है,
तो आप सन्यासी बना लो, सन्यासियों को एक वॉरियर सन्यासी लोग बना दो, तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा राज्य से, अकबर से, कि वो अकबर के जो साधु होंगे उनको वो लोग दंड नहीं देंगे। तो वो साधु लोग अगर वो लोग प्रोटेक्शन करेंगे तो एक नागा उन्होंने अखाड़े बनाया, अखाड़े यानी वॉरियर मॉन्क्स, तो ये उनकी बहुत बड़ी देन थी। अच्छा, मधुसूदन सरस्वती तो अद्वैत सिद्धि जब बहुत लिख रहे थे, उनका ग्रंथ कर रहे थे, तो एक दिन अचानक एक कौपीनधारी एक बाबा जी आ गए उनके पास में, और जहां बैठ के तुमको हरा देता है तो तुमको ग्लानि होती है, खेद होता है, दुख होता है। तो क्या होता, होता है। अच्छा अच्छा, तुम अगर जब किसी को डिफीट कर देते हो, किसी को हरा देते हो वाद विवाद में, तो तुमको खुशी होती है? क्या होती है। तो उनका मतलब तुम अभी समत्व में प्रतिष्ठित नहीं हुए, तुम राग द्वेष के ऊपर नहीं उठे हो। यहां नहीं उठाऊं तो कैसे उठूं? उनका देखो, अद्वैत अद्वैत से नहीं होगा, तुम श्री कृष्ण की भक्ति करो, उससे होगा। तो वो तो तेजस्वी थे, मान ली बात, श्री कृष्ण का मंत्र ले लिया और अनुष्ठान करने लगे, बराबर नियमित रूप से जप करने लगे, अधिष्ठान करने लगे। 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ, बड़ा बुरा लगा, अरे क्या, मैं तो अद्वैत के आनंद में था, ये कहां भक्ति भक्ति लेके रह गया। ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा तेरे 6 महीने और किया जाए। 6 महीने और किया, 6 महीने जब खत्म हो रहे थे तब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कह करे, दर्शन क्या, स्वप्न में भी दर्शन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो एक दिन कहीं जा रहे थे तो एक चमार, जो मोची होता है ना जूता शू मेकर, उसने कह दिया कि अरे बाबा जी, आप साल भर में ही थक गए, लोग तो जन्म जन्मांतर तक जप करते हैं, अब साल भर तक की तपस्या में थक गए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुझे कैसे मालूम। वो चमार ऑर्डिनरी, देखिए मैं एक प्रेत सिद्ध हूं, प्रेत होता है ना, मैं प्रेत सिद्ध हूं, प्रेत ने मुझे बता दिया है कि ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो मुझे भी प्रेत सिद्ध करा दे, मैं भगवान नहीं मिला, कृष्ण नहीं मिले, अद्वैत वेदांत का ब्रह्म नहीं मिला, अरे प्रेत का तो दर्शन हो जावे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो व्यक्ति केवल इंटेलेक्चुअल बौद्धिकता करता है, बुद्धिवाद, इंटेलेक्चुअलिज्म, फिलॉसफी, बस फिलॉसफी झाड़ता है, वेदांत की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन अगर उसके जीवन में अनुभूति नहीं है, तो उससे बदले तो वो व्यक्ति है जिसने कम से कम एक भूत को ही देखा है, कुछ तो देखा है उसने, इसको तुमको तो कुछ नहीं हुआ, कुछ दर्शन नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या क्या, अच्छा ठीक है, ये मंत्र दे दिया उसने, मंत्र का क्या कि आप 3 दिन में जप कीजिए, आपको दर्शन हो जाएगा। उन्होंने 3 दिन तक जप किया, कोई भूत भूत का दर्शन नहीं आया। उसके पास गए चमार के पास, अरे भैया तो भूत भूत तो दिखता नहीं है। तो कि महाराज, वो भूत डरता है, आपने इतने वर्षों तक गायत्री जप किया, उसके बाद में आपने फलाना जप का और जप किया, और अभी साल भर तक आपने 2 सेशन आपने श्री कृष्ण के मंत्र का जप किया। वो कहता है कि आपके पास जाने से तो उसकी उसका शरीर जो है वो जलने लग जाता, वो आपके पास आ नहीं सकता, आपको दर्शन नहीं दे सकता, आप तो इतने ऊंचे आदमी हो। लेकिन उसका ये कहना है कि आप 6 महीने तक मंत्र और जप कीजिए, तब श्री कृष्ण का दर्शन होता है। ठीक है, इतना ही हो जाए, उसके बाद 6 महीने तक दर्शन किए, कहते हैं कि श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और ये परम भक्त बन गए। अभी भक्ति भक्ति योग लिया है, हमको अवसर मिलेगा मधुसूदन सरस्वती के सुंदर श्लोकों पर का पढ़ने को, उन्होंने क्या क्या कहा है उसके बारे में बात करने का हमको अवसर मिलेगा। तो मधुसूदन सरस्वती ने उसके बाद में एक एक ग्रंथ लिखा, भक्ति रसायन, भक्ति रसायन। उसका उसका जो आइडिया है वो यहाँ पर एक छोटा सा श्लोक के माध्यम से समझाया। द्रुतस्य भगवत धर्मात् धारावाहिकताम गता सर्वेशे मनसो वृत्ति
भक्ति इत्यभिथी, ये भक्ति रसायन में उन्होंने भक्ति की परिभाषा की है। क्या? भागवत भगवत धर्मात्, भगवान के गुणादि, गुण आदि जो हैं, भगवान के गुण महात्म कृपा इत्यादि का स्मरण करके मन की वृत्ति धारावाहिकता प्राप्त हो जाए, यानी फ्लो करने लग जाए, मन जो है वो भगवान की ओर फ्लो करने लग जाए। किस तरफ? सर्वेशे, सर्व ईश्वर, सर्वेश्वर जो है उसके प्रति जब मन का प्रवाह हो जावे, मनसोवृत्ति, ऐसी धारावाहिकता की वृत्ति जो है वह द्रवित हुए मन का धारावाहिक वृत्ति प्रवाह भगवान की ओर होना, इसे कहते हैं भक्ति। अब यहां पर उन्होंने क्या कहा? इनका कहना है कि मन जो है वह द्रवित हो जाता है, इट बिकम्स लिक्विड, मन फ्लो करने लगता है, मन फ्लो करता है सब कुछ, लेकिन मन कंटिन्यूअसली भगवान की ओर ही फ्लो करे। और भगवान क्या है? भगवान इज लाइक ए कास्ट, साचा, साचा बोलते ना, कास्ट ही बोलते ना, एक जो जिसमें आप लोहा डालिए, डाई, डाई, डाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाई है ना, उसके अंदर भगवान के रूप की डाई, और उसमें कंटिन्यूअसली मन का प्रवाह, ये भक्ति। अगर जब मन लिक्विड, मन जैसे आप मोल्टन आयरन या मोल्टन कॉपर यदि हो, वो पिघला हुआ जिस प्रकार से लोहा अगर आप डाई में डालेंगे तो वो उसका रूप ले लेगा। उसके बाद आप क्या करते हैं? रूप ले लीजिए, उसके बाद क्या कर देते हैं? आप उसको रोक छोड़ देते हैं। अगर वो लोहे को गर्म किया तो उसको ठंडा होने देते हैं, तो क्या होगा? वो उसका शेप ले लेगा, और वो पक्का शेप ले लेगा। तो उनका ये कहना है कि भगवान के नाम गुणगान महात्म सुनकर मन को भगवान की ओर जब प्रवाहित होता है और भगवान की डाई में पड़कर जब उसका रूप ले लेता है, तब क्या करना है? अभी द्रव है मन को, अब इसको कड़ा कर दो। अभी प्रवाहित, इसको कड़ा कैसे करोगे? विवेक और वैराग्य के द्वारा उसकी द्रवता को नष्ट कर दो, तो मन जो है वो भगवान के रूप में रम जाए। वो भक्ति रसायन इसी कॉन्टेक्स्ट पे लिखा गया, बड़ा सुंदर ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर ग्रंथ। तो जो हो, यहां पर यह उन्होंने कहा कि जब भगवान के प्रति इस प्रकार से धारावाहिक द्रव होकर, द्रुत होकर, यानी द्रवित होकर मन प्रवाहित तो हुए, उसको भक्ति कहते हैं। इसके बाद क्या है? समग्र मस्तिष्क स्वांतो ममत्व अतिशयांकितम भाव स एव सांद्रात्मा बुद्धि ही प्रेमा निगद्यते। प्रेम या भक्ति की दूसरी परिभाषा क्या कहते हैं? समृद्ध मशिष्ट स्वांत, सम्यक रूप से निश्चित हो गया अंतःकरण में, चित्त में भली भांति निश्चित हो जावे। क्या? ममत्व अतिशय अंकित, भगवान मेरे हैं। ममत्व, इस ममत्व की प्रगाढ़ता अतिशय से चित्त अंकित हो गया, भगवान मेरे हैं, यह पूरा मन में दृढ़ता से बैठ गया। सांद्रात्मा याने इसका भाव, जो अंतःकरण को स्निग्ध करने वाला भाव जो है, उसको भक्ति कहते हैं। वही चित्त का द्रवी भाव, भगवान मेरे हैं, और मन द्रवित हो गया। इस प्रकार से हमने आज भक्ति की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी। अब हम देखेंगे नारद जी क्या कहते हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से भक्ति की परिभाषाएं दी। अगले सूत्र में देखें, दूसरा सूत्र। आप लोगों के पास सूत्र पाठ है? नहीं है ना? ओहो, मैंने तो बनाने के लिए दे दिया है उसको, उसको मैंने कहा है अपने इसमें से उसको जीरोक्स करा लेंगे, जीरोक्स करा के आपको दे देंगे सूत्रपाठ, जैसा पातंजल योग सूत्र आप लोग पाठ करते थे। द्वितीय सूत्र है, सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, आपके पास नहीं है, एनीवे अगली बार हम पाठ करवा लेंगे। सा तू अस्मिन परम प्रेम रूपा, भक्ति की परिभाषा, भक्ति की परिभाषा
या भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति का रूप क्या है। एक दूसरा पाठ है सातु कस्मै परम प्रेम रूपा, सा कस्मै परम प्रेम रूपा। अब देखें क्या कहा है इसका, इसका एक्चुअल मीनिंग शब्द शाब्दिक अर्थ सा, किंतु सा यानी वह भक्ति कैसी है, तू तू यानी किंतु, इसमें इसमें अस्मिन, यहां पे परमेश्वर शब्द का उपयोग नहीं किया गया, हम देखेंगे क्यों। इसमें परम प्रेम रूपा, एकांतिक प्रेम रूपा है। अब देखिए अन्य किसी वस्तु में नहीं बल्कि एकमात्र ईश्वर के प्रति एकांतिक परम प्रेम यानी एकांतिक प्रेम को भक्ति कहते हैं, यह उसकी डेफिनेशन। भक्ति इज हैविंग सुप्रीम लव फॉर गॉड, बट गॉड के लिए यहां पर अस्मिन इसमें इसमें शब्द का उपयोग किया है। अब यह जो है यह भक्ति का रूप यानी इनकी व्याख्या करते हुए कहा इसमें है भक्ति का रूप बताएगा। अगले सूत्र में कहेंगे अमृत स्वरूपाच, वह अमृत स्वरूपा है, वह भक्ति का स्वरूप होगा, उसको हम देखने का प्रयत्न करेंगे। रूप यानी बाहरी लक्षण, स्वरूप यानी अंतरंग लक्षण, लेकिन भक्ति स्वयं अंतरंग है, उसका हृदय में निवास होता है। लेकिन बहिरंग अर्थ कैसे जाना जाए, भक्ति देवी आई है कैसे, जब भगवान के प्रति प्रेम हो। लेकिन जब अमृत स्वरूप आनंद हो तब हम जानेंगे कि हाँ ये वास्तविक स्वरूप है। अच्छा अब यहां पर तू सा तू किंतु, किंतु क्यों कहा, इसलिए कि अन्य किसी वस्तु पर प्रेम नहीं, किंतु भाई देखो जहां तक भक्ति का प्रश्न, यानी अन्य किसी वस्तु की बात मत करो, भक्ति यानी फिर देवता दानव भूत प्रेत आदि नहीं। भगवान गीता में कहते हैं ना यजन्ते यक्ष रक्षादि भूत प्रेत आदि, जो वहां कहा गया है कि कुछ लोग जो हैं वो यक्ष देवता भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं केवल मेरी ही भजना करते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग लोगों को भजना करते हैं। अब किसी स्वार्थ के लिए नहीं किंतु प्रेम के लिए, भय इत्यादि से प्रेरित होकर भगवान को प्रेम नहीं करना, और भगवान के अतिरिक्त किसी देवता किसी भूत प्रेत आदि की पूजा नहीं करना, इसको बताने के लिए तू शब्द का उपयोग है। सा तू किंतु परम प्रेम रूपा है, भाई ये भय से प्रेरित भगवान की ओर जाना ये भक्ति नहीं। अब कहते हैं अस्मिन, अस्मिन शब्द का उपयोग क्यों कर, अस्मिन इसमें यानी ये वह नहीं जो आपके सामने है, नियर है, अप्रोक्ष है, डायरेक्टली प्रेजेंट है, उसको बताने के लिए अस्मिन शब्द का उपयोग। भगवान दूर नहीं है, जब तक भगवान यह अनुभव नहीं हुआ कि भगवान यहां है तब तक भक्ति नहीं होती। इसके तुलना में आप देखिए दूसरा प्रसिद्ध मंत्र ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद का पहला ही मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं न, उसका मंगलाचरण देखिए, पूर्णमदः, आप तो मालूम है ना पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो क्या है पूर्णम अदह, अदह यानी वह, वह यानी वह ब्रह्म कहा गया, वह दूर ब्रह्म अभी हमारे से, पूर्णम इदम, इदम यानी क्या ये जगत, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते उस ब्रह्म से इस जगत की उत्पत्ति हुई है, और पूर्ण में से पूर्ण को निकालने पर भी पूर्ण ही रहता है, वो जीरो नहीं हो जाता, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी निकालिए तो इन्फिनिट रहेगा। लेकिन वहां पर जो अधः शब्द है वो ब्रह्म के लिए है, दूर बताया गया, अभी हमारे लिए ब्रह्म कहां है वहां है दूर है, भगवान कहां है ऊपर। लेकिन भक्ति जब प्रारंभ होगी तो इसमें भगवान के, जब तक यह नहीं फील होता है कि भगवान यहां है मेरे पास है निकट है, तब तक भक्ति नहीं होती।
इसलिए कहते हैं कि ये इसमें अपरोक्ष प्रत्यक्ष पहले सामने विद्यमान इस भाव को बताने के लिए यहाँ पर अस्मिन शब्द का प्रयोग किया गया। परमात्मा में उसमें ऐसा नहीं कहा। अच्छा, यानी अत्यंत निकटता बताने के लिए। परमात्मा आत्मा की भी आत्मा है, हमारी आत्मा के भी निकट है, यह बताना जा सकता है। भगवान को देखा जा सकता है। श्री राम कृष्ण क्या कहते हैं? श्री राम कृष्ण कहते हैं ईश्वर को देखा जा सकता है। जब पूछा गया, नरेंद्र ने पूछा कि क्या ईश्वर को देखा है, कि हाँ रे हाँ देखा है, जैसे मैं तुझे देखता हूं इस प्रकार से, यानी यह नहीं उससे भी स्पष्टतर रूप से, यानी ईश्वर को बाहर ही नहीं देखना और भी निकट हमारी आत्मा की आत्मा के रूप में देखना उसको। इसलिए कहा गया इदम तया यह सातु अस्मिन अस्मिन इसमें, ये कहा। अब देखिए यहां पर कहीं पर भी पूरे ग्रंथ में अस्मिन की परिभाषा नहीं मिली। भगवान की परिभाषा इस पातंज इस नारद भक्ति सूत्र में कहीं नहीं गई। ब्रह्मसूत्र प्रारंभ होता है ब्रह्म की परिभाषा से, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और उसके बाद में दूसरा सूत्र जन्माद्यस्य यतः, जन्मादि अस्य यानी इस जगत के संसार के अस्य इसके अस्मिन अस्य इस जगत के जन्म आदि आदि यानी जन्म उसका पालन और संहार आदि जिससे होते हैं वह ब्रह्म है, ब्रह्म की परिभाषा दे दी। यहां पर भगवान की इस पूरे ग्रंथ में भगवान की कोई परिभाषा नहीं है। पातंजल योग सूत्र में भी ईश्वर की परिभाषा है ना, वहां पर क्या कहा गया है ईश्वर प्रणिधान, उसके बाद में क्या कहा गया है तीन परिभाषा दी है, स गुरु हाँ, स तो क्या पुरुष विशेष और वो गुरु है इत्यादि, तीन परिभाषा है वहां पर। यहां पर कहीं भी भगवान की परिभाषा नहीं दी है, जन्माद्य से यत इत्यादि, क्यों कोई नाम भी नहीं दिया। ईश्वर गॉड ब्रह्म अल्लाह शिव राम विष्णु कोई नाम भी नहीं दिया, झगड़े में ही नहीं पड़े। सच पूछा जाए कितनी अच्छी बात, क्या नाम देते यह बताइए, ईश्वर नाम देंगे ईश्वर नाम की समस्या, ब्रह्म नाम देंगे ब्रह्म नाम की समस्या। ब्रह्म यानी वही जगत की सृष्टि स्थिति कल प्राण का, और जब भक्ति आगे बढ़ती है तब वो जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय का रूप निकल जाता है। ईश्वर यानी कौन, ईशन करने वाला, प्रभु कहें तो प्रभु तो एक ऐसा वर्ड है, प्रभु यानी स्वामी कंट्रोलर, प्रिय कहें प्रियतम कहें क्या कहें, भगवान के लिए कौन सा नाम, खास करके ये भक्ति शास्त्र के लिए कौन से नाम का उपयोग करें। हमारे यहां इतने सारे नाम है, सोच के बताइए, भगवान तो भगवान का शब्द का अर्थ है जो भग से युक्त है, भग यानी षडेश्वर से इत्यादि से युक्त है, तो वो भी ऐश्वर्य युक्त हो जाता है, और जब आगे हम जाते हैं तो भगवान के ऐश्वर्य इत्यादि सब गायब हो जाते हैं। जो भक्त है उसको तो ऐश्वर्य पर भगवान भगवान नहीं देखते, वो तो प्रियतम दिखने लग जाते हैं। क्या कहें, बड़ी सोच समझ कर या कहिए कि प्रेरणा से नारद जी ने शब्द कहा है अस्मिन। और श्री रामकृष्ण कहते हैं भगवान के कितने रूप हैं, श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं कि भगवान को ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जाता, जितना वर्णन करोगे वो कम है कि नहीं। यानी जैसा शिव जी की शिव महिमा स्तोत्र में लिखा गया है कि अगर ये जो पृथ्वी है उसको आप कागज बनाइए, और जितने पेड़ हैं उनको आप लेखनी बनाई है, और सरस्वती अगर कंटिन्यूअसली लिखे तब भी उसकी स्तुति, तुम्हारा नाम की स्तुति खत्म नहीं खत्म। असित गिरि से मम सात का जलम सिंधु पात्रे, सिंधु पात्र है समुद्र है उसमें आप शाही बना लीजिए, सुरतरु अरे शाखा और वो जो शाखा है उनके उससे लेकर अब लेखनी बनाइए, और लिखती यदि गृहत्वा शारदा सर्वम सर्वकाल, सरस्वती स्वयं अगर लिखेगी तो भी वर्णन। तो भगवान का वर्णन
किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं हो सकता, यह बताने के लिए भी अस्मिन शब्द का एक जनरल शब्द का हुआ इसमें। अब तुम जो समझ, भगवान को डिस्क्राइब करना नाम भी नहीं दे सकते, उनका वर्णन नहीं कर सकते, और भक्त जो है वो नाम और वर्णन की चिंता भी नहीं। ये इतना सुंदर वर्ड इसीलिए उन्होंने कहा, जिसको उपयोग नहीं किया, केवल अस्मिन। अब यों तो भगवान की कई धारणाएं हो सकती हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ईश्वर साकार भी है, निराकार भी है, दोनों से परे भी है। वह जब प्रतीक और प्रतिमा बनाई, भगवान की प्रतिमा बनाई, ठाकुर का फोटो बना लिया, वो भी भगवान हो गया। अवतार, अवतार गुरु, कुछ कुछ धर्मों में गुरु के प्रति भक्ति की बात कही गई है। अपने सिख धर्म में गुरु को ज्यादा महत्व दिया गया है। अन्य कई धर्म है जिनमें गुरु को महत्व है, ईश्वर को महत्व नहीं है। इतने उससे ईश्वर से अधिक गुरु को महत्व है। और फिर ब्रह्म निर्गुण निराकार भी है। इस प्रकार से परमात्मा के संबंध में विभिन्न धारणाओं को मानो निराकृत करते हुए अस्मिन शब्द का उपयोग किया। एक दूसरे शब्द का दूसरा पाठांतर है, उसमें कस्मै कहा गया है। सातु कस्मै परम रूप प्रेम रूपा। आप देखेंगे कहीं पे मेंशन किया होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो कमेंट्री की है उसमें कस्मै शब्द का उपयोग किया है। तो कह, कह यानी क्या, कस्मै यानी कह शब्द से का अर्थ क्या होता है? कह यानी परमात्मा का एक नाम भी है। आप विष्णु सहस्त्र नाम जो है उसमें अगर पढ़ेंगे तो वहां पर आता है सह कह कस्मिन, कह इस प्रकार का एक आचा है, पाठ आता है जिसमें कह शब्द भी भगवान का नाम है, विष्णु का नाम। तो एक नाम वहां क ले गया। या फिर कह यानी कस्मै यानी किसमें, अमिन अनिर्वचनीय क्वेश्चन मार्क, इसको हम बता नहीं सकते कौन। कस्मै कह यानी कौन, किसमें भक्त परम प्रेम रूपा, ये कर दिया। फिर कह शब्द का अर्थ सिर भी होता है, उच्चतम जो है उसमें। और कह यानी आनंद, परमानंद रूप, यह भी कह शब्द का अर्थ होता है। और क प्रजापति का भी नाम है। ये कई नाम यहाँ पर क शब्द के हो सकते हैं। खैर यहाँ पर अस्मिन शब्द हमने लिखा है, इसमें परम प्रेम रूप का प्रेम। अब आगे आइए, प्रेम क्या है, जिसकी अभी समय हो रहा है, हम अगली बार इसकी व्याख्या करेंगे। प्रेम किसे कहते हैं, परम प्रेम किसे कहते हैं, इसकी चर्चा अगली बार करेंगे। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास, अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान, रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन, एतानहं परम भागवतान नमामि।